नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं आपके साथ राजीव ढौंडियाल। तो देश का बजट आज पेश हो गया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को देश को आगे बढ़ाने वाला बताया है। महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया। बजट में क्या कुछ प्रावधान है सुबह से एबीपी गंगा आपके सामने रख रहा है। बजट पेश होने के बाद की तमाम बातें हमने रखी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी इसको कह रहे हैं कि आगे बढ़ाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में गांव गरीब का कल्याण का ख्याल रखा गया है। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा। ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा। इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही गांव और गरीब का कल्याण भी है। किया जा सकता है, ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है। ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा। पिछले 5 साल में देश निराशा के वातावरण को पीछे छोड़ चुका है, उस वातावरण से बाहर निकल गया है। आज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बिजली, गैस, सड़क, गंदगी, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाइयां सामान्य मानवी को अपने हक के लिए जद्दोजहद की जिंदगी, यानी एक प्रकार से खुद से ही उसको जूझना पड़ता था, उसको कम करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं, सफलता भी मिली है। आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं हैं। ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है, ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है। तो प्रधानमंत्री ने इसे आशा, विश्वास और आकांक्षा वाला बजट बताया है। तो वहीं बजट पेश करते हुए जब इसकी शुरुआत कर रहे थे वित्त मंत्री, तो उन्होंने शायरी पढ़ी कि अगर यकीन हो तो रास्ता निकल जाता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जल जाता है। Determined human efforts, the task will surely be completed. An Urdu couplet, pardon me my pronunciation. Yakin ho to koi rasta nikalta hai. Yakin ho to koi rasta nikalta hai. Hawa ki oat bhi lekar charag jalta hai. और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं प्रशांत हूं एबीपी न्यूज से। एक जो क्रिटिसिज्म जो अभी तक हम लोगों ने सुना है वो ये है कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ई इलेक्ट्रिक वाहनों पर आप लोगों ने छूट दिया है जो कि बहुत ज्यादा अभी चलन में नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर सेस लगाकर आप लोग, महंगाई बढ़ेगी उससे और मध्यम वर्ग पर भी और सब पर भार पड़ेगा। दूसरा एक और भी एक चर्चा सुबह से बहुत कौतूहल का विषय बना हुआ है मैम, कि आपकी लाल पोटली आज लाने का क्या यह था, क्योंकि लेदर बैग लेकर नॉर्मली लोग आते थे बजट को, उस पर कुछ बताइए। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एनवायरमेंट कमिटमेंट के लिए
gradually move out of fossil fuels and go towards renewable energy. Unless we give substantial incentive for renewable energy, particularly when it comes to the question of mobility, where emissions from vehicles which are using fossil fuel is the main reason for suspended particles in the air and so on. So we wanted to make sure that if you have made a good commitment for improving the air pollution conditions, we have to support electrical vehicles. And they are coming in. Indians are also manufacturing. So unless we encourage them in a significant way, move away from fossil fuel to electrical vehicle is never going to happen. We also think in the from the point of view of employment generation, investing in sunrise sectors such as electrical batteries, solar batteries, lithium-ion batteries, there is a big scope for India. So simultaneously, as we're giving this facility and incentivizing buying of electrical vehicles, we are also giving incentive for investment in solar storage battery capacity and also lithium-ion and so on. So this encouragement towards renewable energy, particularly for public transport and mobility purposes, is from both sides. It's not as if we are not conscious that the production of electrical vehicles are not as many as we wanted, and we want to move towards that. So that's the logic behind it. And as regards the red color, what did you ask me? Why I have not used the leather bag? I thought it was high time that India moved out of the British hangover. So it's good enough for us to come and do something our own. And this was easy for me to carry also. Very Indian. Ma'am, this is Anuradha Shukla from New Indian Express. Here, ma'am. My question is that, you know, by putting some increasing tax on the high net worth individuals, how much revenue are you expecting out of, you know, that? You know, what we have estimated is around 12,000 crores we'll get by increasing this surcharge on the category from 2 crore to 5 crore and 5 crore and above. Madam, on your right here. On your right, ma'am. On your left, I'm sorry. Ma'am, you have increased the disinvestment target. You said, mentioned in your budget speech that your government is open to, move a strategic sale in other companies. So would we understand that this would also mean that you may be open to sell your stake in profit-making companies, which hasn't been the case so far? So probably a company like NTPC and ONGC, the government stake can go below 51%? I'll have the secretaries also add in here. Disinvestment secretary is here? Yeah, he should actually be talking about it. But the idea is, we've set ourselves fairly a realistic goal, 1,05,000 for disinvestment. For the way in which disinvestment should happen, and with disinvestment, there is also a reform agenda which gets fulfilled. And if it is necessary to push with these reforms because we do not want economy to stagnate, disinvestment is an important route. In that, of course, we did announce about the 51% shareholding, government not losing its holding, but yet if there are two or three different agencies of the government themselves holding it over and above, I mean altogether put holding it over and above 51%, we thought it should be opened up. Government still retains its ownership, but if you open it up, you're at least giving opportunity for, let us say, India's small retail purchasers of stock. You need to open up this ownership to wider Indian market, and that is why the larger principle. But then, Deepam Secretary can please. On the profitable company side, the question that you asked, that has never been the case in disinvestment, that for the strategic disinvestment, profit-making companies will not be sold. In fact, those companies where there is already adequate competition and they are not strategic in that sense,
There are already companies on the block which are being sold, which are profit-making. So profit-making or non-profit-making, that's never been the dividing line. There has been a concern about investment, both in economic analysis, and you have announced certain incentives for investments. And in that, you mentioned that perhaps the NBFCs... तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वित्त मंत्रालय की, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। तमाम सेक्रेटरीज भी वहां पर मौजूद है। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करेंगे कि किसको मिला क्या है इस बजट से। तो 45 लाख तक के होम लोन पर छूट बढ़ी है, इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाया गया है। 1,95,00,000 मकानों का निर्माण होगा, ये लक्ष्य रखा गया, क्योंकि 2022 तक का टारगेट भी रखा गया कि सभी को घर मिले। घरों में टॉयलेट होंगे, बिजली और गैस कनेक्शन होगा। 2024 तक हर घर को पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। यहां पर 1,25,000 किलोमीटर के आसपास की सड़क का निर्माण किया जाएगा और 5 साल में पूरा ये जो टारगेट है इसको अचीव करना है। ये लक्ष्य रखा गया है कि 5 साल के भीतर ही इसको अचीव कर लिया जाए, यानी कि 2024 तक में 45 लाख तक के होम लोन पर, जैसे कि हमने जानकारी दी है कि छूट दी गई है, तो ये मिडिल क्लास के लिए सौगात है। पहले 2 लाख तक की छूट हुआ करती थी, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया, 1.5 लाख और ऐड कर दिया गया, 3.5 लाख तक की छूट इसमें दी गई है। मार्च 2020 तक ये घर खरीदने पर छूट, और बिना पैन भी अब आयकर रिटर्न आप भर सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए राहत है। आधार अगर आपके पास है तो आप आधार नंबर से भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इससे होने वाला है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का यूपी को भी फायदा होगा। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए भी खास है, बजट में यूपी के लिए खास है, जहां 1.5 करोड़ से कम के टर्नओवर वाले दुकानदारों को, जिन्हों को जो गरीब हैं, उनको जो प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन स्कीम के तहत जोड़ा जाना का जो निश्चय लिया गया है, यह भी एक क्रांतिकारी कदम है, सराहनीय कदम है और गरीब जनता को समर्पित है, आम आदमी को समर्पित बजट है, उसको प्रतिलक्षित करता है। 2022 तक सबको पक्का मकान मिलना और 1.95 करोड़ लोगों को ऐसे मकान का प्रावधान करना जिसमें बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन और टॉयलेट्स, इन सब की सुविधा प्रदान करने का जो लक्ष्य है, यह बहुत ही क्रांतिकारी और देश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला गरीब व्यक्तियों को समर्पित बजट है, जिसको हमको ध्यान में लेना चाहिए। यह गांव, गरीब, किसान को समर्पित बजट है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को, जिनके दृष्टि से और जिनकी दिशा में, जिनके निर्देश से यह बजट पेश हुआ है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी को, जिनका हम सबको समय समय पर मार्गदर्शन मिला है, और निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने इस बजट की बारीकियों को वर्कआउट किया है, उनको मैं पुनः बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और यह भारत को एक नई दृष्टि देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। I want to thank Honorable Prime Minister. तो आप कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा को सुन रहे थे और वो धन्यवाद दे रहे थे। साथ ही साथ 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर जिनका है, उनको क्या लाभ मिलने वाला है, शौचालय बनवाने हैं और इसके साथ साथ बिजली और तमाम बातें कर रहे थे और धन्यवाद दे रहे थे। और प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना का ख़ास तौर पर उन्होंने यहाँ जिक्र किया कि इससे आम लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो बड़े ऐलान जो है वो भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं, किसानों के लिए क्या बड़ा है ये भी साथ साथ बता रहे हैं। अपग्रेडेशन होगा सड़कों का, जो गांव से बाजार तक जाती हैं, हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ये लक्ष्य रखा है सरकार ने कि इसको अचीव करना है। और इसके साथ साथ बजट में जीरो बजट खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इस पर फोकस रहेगा। परंपरागत तरीकों से एक बार फिर खेती पर लौटने का उद्देश्य रखा गया है। किसानों की आय डबल, ये एक बड़ा वादा है, 2022 तक इसको पूरा करना है, तो इस पर भी फोकस है। दलहन तिलहन खाद्यान्न की निर्भरता पर जोर दिया गया है और बाजार तक कैसे सामान पहुंचे, अब क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा हुआ ये भी देख लीजिए। इलेक्ट्रिक वाहन, छोटे बजट के घर, डिजिटल कैमरा, फाइबर की बिजली, सस्ता हुआ महंगा हुआ क्या हुआ है, पेट्रोल डीजल जिसमें बढ़ा दिया गया है, सर सोने में अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, विदेशी तंबाकू महंगा हो गया और
तंबाकू के उत्पाद महंगे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन को सरकार बढ़ावा दे रही है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे देश में एक नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है, जिस तरह पेट्रोल पंप्स हैं उसी तरह इलेक्ट्रिक वाहन कहाँ चार्ज होंगे, कैसे होंगे, उसके लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार करना है और उसके लिए एक बहुत बड़े बजट की ज़रूरत भी है। अब देखना ये होगा कि कितनी प्रतिबद्धता के साथ इस पर काम किया जाता है, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है। क्योंकि जैसे कि खुद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रही थी कि फॉसिल फ्यूल को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, और अब इलेक्ट्रिक, जिस तरह से कई मुल्क इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक वाहन यूज़ करते हैं, और भारत में भी कई कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन बना रहे हैं, तो उसको उनको प्रोत्साहन देना है, उनको प्रोत्साहित करना है, ताकि इससे देश के पर्यावरण पर एक अच्छा असर पड़े और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भारत एक जो है प्रतिबद्ध है उसको कम करना है, जो बड़ा खतरा है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन की ओर जाना बेहद ज़रूरी है, तो उनको बढ़ावा, छोटे बजट के जो घर हैं, अगर आप 45 लाख तक का घर खरीदते हैं तो उसमें 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी, हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट को भी बढ़ा दिया गया है, 3.5 लाख कर दिया गया है, तो ये बड़ी बातें हैं। पेट्रोल डीजल सोना चांदी महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल के महंगे होने से कहीं ना कहीं कई वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, तो इसका असर कहीं ना कहीं साग सब्जियों पर भी पड़ेगा और तमाम चीज़ों पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल एक एक रुपया महंगा हुआ है, हालांकि कई हद तक हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर होते हैं पेट्रोल डीजल के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हलचल होती है उसका भी किस तरीके से असर पड़ गया देखने वाली बात होगी, और एक ट्रेड वॉर जो है उसका किस तरीके से असर पड़ता है उस पर भी निगाह रहेंगी। लेकिन 1% बढ़ाने से फ़र्क कहीं ना कहीं पड़ेगा ज़रूर। अमीरों का जो टैक्स है वो बढ़ाया गया है, अमीरों की अगर बात करें तो जिनकी इनकम 2 लाख से 5 लाख तक की है उनको 2% जो है सरचार्ज देना होगा, जबकि जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा का जिनका सालाना टर्नओवर है या इनकम है उनको 7% देना होगा। इसके साथ साथ जो अंतरिम बजट में कई घोषणाएं थी, बातें थी, वो एक बार फिर से नज़र आए, कुछ नए सिक्के भी मार्केट में आएंगे और 20 तक के ये सिक्के होंगे, अब तक 10 तक के सिक्के आपने देखे होंगे, लेकिन अब 10 बार 20 का सिक्का भी आपको देखने को मिलेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश ट्रांजेक्शन आप करते हैं बैंक से, कैश ट्रांजेक्शन नकद आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें आपको 2% TDS आपका कटेगा, यानी कि करीब 2 लाख तक का आपके टैक्स के तौर पर पैसे चले जाएंगे। चले फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।